संत कबीर नगर में कुछ साल पहले हुए जूता कांड की याद आप लोगों को होगी, जिसमें एक विधायक जी और एक सांसद ने एक दूसरे के ऊपर भरी मीटिंग में खूब जूता बरसा दिया था। ऐसा ही मामला अब उसके पड़ोस के जनपद में माहौल बन रहा है। ये जिला है सिद्धार्थ नगर। जूता कांड की याद अभी लोगों को ताज़ा है। अब सिद्धार्थ नगर में एक साथ दो मामले आ गए हैं। मामला पहला ये है कि सिद्धार्थ नगर के जो डुमरियागंज है वहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी के ही राघवेंद्र सिंह, उन्होंने खुले मंच से अपनी पार्टी के सांसद जगदम्बा पाल को गद्दार कहा। कहा कि वो हम सब विधायकों को हराना चाहते हैं, वो गद्दार हैं, जिस पार्टी में रहे वहाँ वहाँ गद्दारी की, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने गद्दारी की। ये मामला खुले मंच से कहा गया है, कहीं कोने में या कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ये अमरगढ़ महोत्सव चल रहा था, उसका समापन था सिद्धार्थ नगर में, जहां पर विधायक ने खुले मंच से माइक से इस लड़ाई का ऐलान किया। दूसरी ओर सोहरतगढ़ से विधायक हैं विनय वर्मा, उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया। उनका आरोप है कि डीएम संजीव रंजन ने ये विवाद खड़ा किया है और यह विवाद बढ़नी नगर पंचायत में उनकी पत्नी है बबीता वर्मा, उनको पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा फिर कटा। डीएम कहते हैं कि कोई आदमी बाहर से आके किराए मकान रहने लगे लेकर तो क्या हम उसको वहाँ का मतदाता सूची में उसका नाम डाल देंगे। विधायक कहते हैं कि नेपाल के लोग आके यहाँ सिद्धार्थ नगर में मतदाता बने हुए हैं और मैं विधायक हूँ सोहरतगढ़ का और मेरी बीवी का नाम नहीं रहेगा मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता। ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, इसलिए दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ एक पूर्व विधायक खुलेआम वर्तमान सांसद को ललकार रहा है, दूसरी तरफ एक विधायक डीएम को ललकार रहा है। यानी सियासत और प्रशासन दोनों में तनातनी तलवार खिंची हुई है। किसी दिन किसी मीटिंग में कोई मुठभेड़ हो भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर नगर निकाय के चुनाव हैं, मामला गरमाया भी है। अब जब विकास पाल के लिए जब राघवेंद्र सिंह खुले मन से बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है, वो एक टाइम में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सरकार के बड़े करीबी माने जाते हैं। इस बार वो चुनाव हार गए, लेकिन उनका जलवा कोई कम नहीं है राघवेंद्र सिंह का, और ना उनकी बोलने में कोई फर्क आया है। विधायक नहीं है लेकिन मौजूदा सांसद को ललकार रहे हैं। तो बीजेपी में जहां अनुशासन की बात की जाती है, जहां पर दूसरे दलों में कहा जाता है कि उनके यहाँ तमाम अपराधी हैं, तमाम सारे परिवारवाद है, उनके यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं, वहाँ उनके अपने अनुशासित पार्टी में नेता मंचों से अपने लोगों को ललकार रहे हैं। अनुशासन तो पहले संत कबीर नगर में देखा ही गया था, हालांकि उस जूता कांड के बाद वहाँ के सांसद जी की डेथ हो गई, वो बात लोग भूल गए। अब यह ताज़ा कि यहाँ माहौल बन रहा है, अब डीएम और विधायक और पूर्व विधायक और सांसद, ये किसी दिन लड़ाई सड़क पर आ सकती है, किसी मीटिंग में भी आ सकती है, और अगर विस्फोट हुआ तो फिर देखिएगा बड़ा रोचक होगा।